listening. Damn. तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हो इस तरह के अमेजिंग वॉलपेपर अपने मोबाइल में लगाना और चाहते हो उसको एक अलग ही लुक देना, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यदि ये वॉलपेपर आपको पसंद आया और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका दे रखा है। जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन हो जाती है, जैसा कि यहाँ पर अभी आप देख रहे हो। ओके, अब यहाँ पर आपको नीचे की साइड इसमें एक प्लस का निशान दिया रहता है। प्लस के निशान पर आपको टच करना है और यहाँ से आपको दो फोटो सिलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पर कुछ फोटो दे भी रखे हैं, इनमें से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर ये फोटो सिलेक्ट कर लिया और दूसरे वाले फोटो में मैंने अपने जो कैमरे से फोटो ले रखे अपने मोबाइल के अंदर, उसमें से एक फोटो मैंने ये यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। ओके, उसके बाद आपको ऊपर से नेक्स्ट कर देना है और नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना वॉलपेपर डिजाइन करना है, इसकी कैसी स्पीड रखनी है। ओके, और इसको रेक्टेंगुलर रखना है या फिर सर्कुलर रखना है, इसका डिजाइन यहाँ से आप तरह तरह की डिजाइन चेंज कर सकते हो और जिस तरह का आप चाहे उस तरह का यहाँ से उसको वॉलपेपर फिर आप बना सकते हो। ओके, जब आपका यहाँ पर पूरा डिजाइन कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे की साइड एक मोबाइल का जो है निशान बना हुआ है, यहाँ पर टच करेंगे और यहाँ से इसकी स्पीड जो है सेट कर लेंगे कि वॉलपेपर पर कितनी स्पीड रखनी है, और उसके बाद इसको सेट एज ए वॉलपेपर पर सेट कर देंगे। तो जैसे ही आप ये काम कर लेंगे उसके बाद जो आपने यहाँ पर अपना वॉलपेपर डिजाइन किया था कुछ इस तरह से दिखाई देगा वो, ठीक है। यहाँ पर आपके फोटो भी हो सकते हैं और जो आप सिलेक्ट करोगे वही यहाँ पर होगा। इसके बाद आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे एज ए लाइव वॉलपेपर के होम स्क्रीन या होम एंड लॉक स्क्रीन दोनों पर, और उसके बाद फिर आप इसका एंजॉय उठा सकते हो अपने मोबाइल के अंदर। तो जैसे कि हमने ये बनाया, इस तरह से ये बनकर रेडी हो गया हमारा जो लाइव वॉलपेपर था वो, ठीक है। तो बड़े ही कमाल की चीज़ है, इसमें आप अपने फोटो भी ऐड कर सकते हो और तरह तरह से इसको डिजाइन कर सकते हो, जिस तरह का आप चाहे उस तरह का आप इसको बना सकते हो। तो बड़े ही कमाल की चीज़ है दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये वॉलपेपर आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ लाइक करना।